आपके पास समय हो तो मैं आधे घंटे में कुछ रोड को दिखा करके आपको ले आता हूं। बहुत अच्छा लगेगा, मेरे साथ में बाकी लोग भी चले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई। कांग्रेस के सरकार आने के बाद में नए कॉलेज बनना बंद हो गए, हाई स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल नहीं बने, हाई स्कूल से आपका हायर सेकेंडरी नहीं। और जो रिजल्ट आया है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो रिजल्ट आया है शायद पूरे हिंदुस्तान की तुलना करेंगे तो आखिरी में दूसरे और तीसरे नंबर पर है जो कॉलेज के रिजल्ट आपके आए हैं। रैंकिंग की आप बात करेंगे, पूरे देश के 100 टॉप यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के एक भी आपके नहीं है। आप नीचे स्तर स्कूल के स्तर की आप रैंकिंग में जाएंगे तो आपके 28वें-29वें नंबर पर आपके स्कूल हैं। और छत्तीसगढ़ के स्कूल कैसा चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल को हम लोगों ने उस समय जिसका भवन नहीं था खोल दिए थे, उसका भवन अभी तक नहीं बना। लगातार 15 साल में सड़कें जो बनाने के हम लोगों ने काम किया, उस सड़कों के रिपेयरिंग के लिए पैसा सरकार के पास में नहीं है। एक ईएनसी का बलि में चढ़ी उसमें, और ईएनसी के ऊपर में कहा गया कि बना नहीं पा रहे तो ईएनसी को हटा दिया जाए। ईएनसी को हटा दिए, दूसरा ईएनसी आ गए, और उस ईएनसी के आने के बाद में अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि तत्काल बरसात के बाद में सड़कों को ठीक किया जाए। मतलब आपके चुनाव आ गए हैं तो सड़कों की याद आ रही है, आप बजट में भी डाल देंगे तो आपके सड़कें ठीक नहीं होगी। आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बैठ गई है। ठीक, इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो ये मुकाबला किस तरह होने जा रहा है? एक बार आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है कांग्रेस और बीजेपी के साथ, उसका कहना है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार। मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, हमारी व्यवस्था है संविधान में, जो पार्टियां आना चाहती है खुला मंच है उनके लिए, अपनी बात को रखेंगे, जनता तय करेगी, लेकिन सभी पार्टियों को लड़ने का अधिकार है और लोकतंत्र। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, मणिपुर से आ रही है। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई है। तो मणिपुर हिंसा पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस कमेटी का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ये कमेटी मणिपुर में पुनर्वास और साथ ही मुआवजे का काम यहां पर देखेगी। और कमेटी में रिटायर्ड जज गीता मित्तल, रिटायर्ड जज शालिनी जोशी और रिटायर्ड जज आशा मेनन शामिल होंगी। महिला के जुड़े अपराधों की 11 FIR की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन जांच में अलग अलग राज्यों के डीसी